नमस्कार मित्रों, अभी अभी मैं आज तक पर जो हैदराबाद का जो गद्दार है ओवैसी उसका एक इंटरव्यू देख रहा था। पता नहीं ये मीडिया वाले भी ऐसे समय पर ऐसे लोगों को क्यों मीडिया में बिठाते हैं और देश का माहौल खराब करने का प्रयत्न क्यों करते हैं। वो कहता है कि चोरों का जैसा मूर्तियों को मस्जिद में रखा गया, तो मैं ओवैसी से पूछना चाहता हूँ, चोरों का ऐसा मूर्तियां नहीं रखी गई बेटा, जो इनलीगल जो बाबर का जो ढांचा था उसको तोड़कर हमारे राम भक्तों ने वहां पर राम जी की स्थापना की गई थी। ये था राम भक्तों का दिल, तुम्हारी फोड़कर और जो तुम्हारे बाबर का जो ढांचा था ना उसको तोड़कर राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी की प्रतिमाएं वहां पर स्थापित की गई थी, जो तुम लोगों ने यानी तुम्हारे बाप दादाओं ने जो तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे राम मंदिर को तोड़कर इनलीगल रूप से बाबर का ढांचा खड़ा किया गया था। और तुम आज कहते हो कि इनलीगल है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आज भूमि पूजन कार्यक्रम किया जा रहा है। राम भक्तों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। ये शायद ये अपने आप को जो बैरिस्टेट कहता है ना, शायद ये वो जजमेंट नहीं पड़ा। और हमने हमारे राम भक्तों ने 500 साल तक ये पल का हमने इंतजार किया। और तू क्या कहता है, मस्जिद तोड़ दिए। अरे वो तो उत्तर प्रदेश की बात है, अगर तेरे में दम है, हाल ही में सेक्रेटरीट के अंदर मस्जिद तोड़ दिए गए, उसके ऊपर तो क्यों मुंह बंद करके बैठा है। अरे अगर तेरे में दम है, जो अंबर पेट में जो तुम एक घर को जो तुम मस्जिद बोलते हो ना, वो बता के देख लो, वो बना के देख लो, अगर तुम्हारे दम है तो देख लेंगे, आर पार की लड़ाई यहीं देख लेंगे, अयोध्या तक क्यों जाते हो बेटा, पहले तो तुम्हारे घर में देख लो क्या चल रहा है। आज तुम मुसलमानों के हक की बात करते हो और सेक्रेटरी में मस्जिद तोड़ दी जाती है तो तुम्हारा मुंह बंद, अंबर पेट का जो तुम एक घर को तुम मस्जिद बना देते हो, दम है तो वो बना के बताओ। अरे तेलंगाना में कई ऐसी मस्जिदें हैं जो बंद पड़ी हुई है, कोई नमाज भी वहां पर नहीं पड़ता है, अरे ऐसी मस्जिदों को तुम जीवित करो, कम से कम कलर पानी चुना पानी करो उन मस्जिदों को, दम है तो वो तो तुम्हें नहीं दिखता, क्योंकि तुम्हारे को तो पॉलिटिक्स करना है, मीडिया में रहना है और मुसलमानों के ऊपर राजनीति करनी है, मुसलमानों के वोट को तो तुम्हारे को बेचना है, तो तुम इस तरह की भाड़कोगिरी और फालतू राजनीति तुम करोगे ही। बंद करो बेटा, आज का मुसलमान जाग चुका है, पहले ऐसा मुसलमान नहीं है। और आज मुसलमान चाहता है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, और यही मुसलमान आने वाले समय में काशी और मथुरा भी बोलेगा कि यहाँ पर भी भव्य मंदिरें बनाओ। ठीक है, धन्यवाद।